नेशनल लेवल इंटरव्यू कंपटीशन कैंडिडेट नंबर 4 रोहित जंगले फ्रॉम नागपुर। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए रोहित आप अपना। मेरा नाम रोहित जंगले है। मैं नागपुर मतलब में रहता हूँ। फिलहाल तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है बीए में, मतलब यस बीए फाइनल ईयर जी, मतलब रिसेंटली आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। रोहित, सर्वप्रथम आप हमें बताइए, जिस प्रकार से आपका नाम दिया गया है, काफी बेहतरीन नाम है रोहित। यदि मैं कहूँ कि इस नाम का संग्राम से प्रस्तापित करना हो तो किस तरीके से करेंगे आप? देखिए, नाम आपके नाम का प्रदान क्या? हाँ, तो मेरे नाम का मतलब है कि चांद, मतलब कैसे चांद चमकता है वैसे ही हम अपने देश को, देश का नाम चमका सकते हैं, मतलब रोशन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरे नाम का मतलब होता है वही। जी रोहित जी, रोहित जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, ऐसी तीन चीजें बताइए जो आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सीखी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से ऐसी कोई भी चीज है, जैसे हमारे वीर पुरुष लड़े, जी जी है ना, तो कोई भी तीन महत्व की बात तो ये है सर कि जो अपने हक के लिए सभी लड़े हैं सर, तो अब इनके बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं सर, तीन बोलो या बहुत सी चीजें हैं सर, एक दो या तीन ही। रोहित, पहली चीज तो बता रहा है कि हक के लिए लड़ना चाहिए, ये पहली सीख, और दूसरी बताइए रोहित। और दूसरी मतलब त्याग किया था ना, त्याग, जी जी, त्याग है ना, हाँ, जो कि त्याग है वो भी बहुत बड़ी चीज है सर अपने आप में, जो उन्होंने किया है, अपने महापुरुषों ने किया, वो भी बहुत, उनमें बहुत बड़ी बात है सर। निश्चित रूप से रोहित। रोहित, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जितने भी वीर पुरुष हुए हमारे इतिहास में, उनमें सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन है? जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, जिन्होंने हमारे निचले जातियों को इस स्तर पर लाके रखा। तो मैं पर्सनली जानता हूँ सर, मैं ऐसे बहुत उनको मानता हूँ सर, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी, शिक्षा के शिक्षा हो या फिर किसी भी चीज में उन्होंने, बहुत सारी चीजों में उन्होंने अपने देश को आगे लेके आए हैं सर। जी रोहित जी, मतलब रोहित जी कह रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाने में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रोहित, यदि मैं आपसे पूछूं कि संविधान क्या है, तो आप क्या बताना चाहोगे? संविधान है क्या सर? संविधान मीन्स हम जो जिस देश में रहते हैं, हमारा क्या कह सकते हैं, कायदा जो जिस पर चल रहा है ना सर, उसे हम संविधान कहेंगे सर। अब आप देख लो सर कि हम कुछ, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम वो संविधान के अंडर में रह के ही करेंगे ना सर, उसी को हम संविधान बोल सकते हैं। रोहित, निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का कार्य का संपादन यदि करना हो तो संविधान होगा। रोहित जी कह रहे थे कि संविधान एक ऐसी किताब है जो बाबा साहब अंबेडकर एवं उनके सहयोगियों द्वारा लिखी गई, जो देश को नियमबद्ध तरीके से चलाने का एक तरीका है। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ रोहित जी? जी 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 सर जी। तो रोहित जी, हमको एक बात बताइए आप, जैसे आरक्षण एक मुद्दा होता है ना, जी जी, देश की स्वतंत्रता के बाद ये मुद्दा गरमाया, तो ऐसा कहा जाता है
कि यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, महान व्यक्ति मत्व बनने के लिए आरक्षण का आवश्यकता नहीं पड़ी है ना, उनको तो नहीं पड़ी, तो आज आरक्षण का अस्तित्व क्यों होना चाहिए, इसे तो मिटा देना चाहिए, आपका क्या मत है? नहीं सर, इसमें अभी भी हम बोल सकते हैं कि कुछ गरीब लोग हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना सर। अब जो लोग ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं वो, उनको तो मुझे लगता है कोई ये नहीं है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन जो पढ़ाई करने में, पढ़ाई करना तो चाहते हैं लेकिन जिनकी उतनी ये नहीं है, सुविधा नहीं है, तो उनके लिए जरूरी है ना सर ये चीज। निश्चित रूप से, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है, आगे बढ़ना तो चाहते हैं किंतु संसाधन की कमतरता के कारण आगे बढ़ नहीं पा रहे, उनके लिए निश्चित रूप से बहुत जरूरी है, यही कहना चाह रहे हो रोहित? जी जी जी। रोहित, आपके सपनों का भारत क्या है? सर, जहाँ हम जो सपने देखते हैं सर, क्या वो सच में पूरे होते हैं? और पूरे होते हैं तो मतलब ऐसा होता है ना कि किसी के सपनों के भारत में लोगों का विकास होना चाहिए, पैसा पानी जम के होना चाहिए पास में, हैं? सर, देश मुझे लगता है उन्नति कि अभी, हाँ, तो हमारी जो शिक्षा है वो मुझे लगता है और भी ऊंचे स्तर पर जानी चाहिए सर, और यही हर भारत का सपना हो सकता है सर। रोहित, शिक्षा को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? सर, मुझे लगता है जो ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस जो कि डोनेशन लेते हैं, जो कि जो गरीब बच्चे होते हैं ना सर, तो उनके लिए भी उन लोगों ने, उन्होंने वो सुविधाएं देनी चाहिए जो कि वो चाहते हैं सर, क्योंकि कई बार हमने देखा कि जो गरीब बच्चे होते हैं सर, वो उतना ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज जो क्या बोल सकते हैं, श्रीमंत लोगों के लिए जो है वो गरीबों के लिए भी होनी चाहिए सर, मतलब उनके, मतलब शिक्षा फ्री होनी चाहिए, सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा सभी के लिए एक समान होनी चाहिए सर। रोहित, मान के चलिए यदि आपको इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया तो आप क्या करोगे? सर, सबसे पहले तो ये जो अभी जाति भेद जो हो रहा है ना सर, हिंदू मुस्लिम और जो दंगे फसाद जो हो रहे हैं ना सर, सबसे पहले तो उसे मिटाने की जरूरत है सर। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने चाहिए, ना कि एक दूसरे से दंगे करना या फिर और कुछ करना। ये चीज सबसे पहले तो ये चीज हमें निकालने की जरूरत है अपने समाज से, और सबको बताने की जरूरत है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। जैसे मान लो कि तुमको प्रधानमंत्री बना दिया, और फिर तुम कैसे कदम लोगे इस चीज को हटाने के लिए, क्या करोगे बताओ? सर, सबसे पहले तो हमें एक चीज का ये रहना चाहिए सर कि हमें सबकी जो सब चीजों का उनकी चीजों, हमें सब धर्मों का आदर करना चाहिए सर। सबसे पहले तो हम लोगों को ये बताएंगे कि आपको कोई भी धर्म हो, हमें उसका आदर करना चाहिए, उस चीज का आदर करना सीखिएगा, तभी आप इन चीजों को समझ सकते हैं सर। जब रोहित जी कह रहे हैं कि सभी धर्मों का आदर करना सीखिए, खुद का धर्म बड़ा और बाकियों का छोटा, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना रोहित? बिल्कुल। रोहित, आपको क्या लगता है ये धर्म के जो झगड़े हो रहे हैं, इसके पीछे की मूल वजह क्या है, कारण क्या है सर, क्यों लोग नहीं समझ पा रहे हैं? सर, ये हाल ही में प्रॉब्लम है सर हमारा, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं सर। अभी भी हम उन तकलादू बातों को लेके बैठे हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू ये वो सब जो जो पहले चलता था, वो अभी हम अभी वही पकड़ के बैठे हैं सर, इसलिए।
जो पहले होता था आगे बढ़ नहीं पा रहा है सर, मेरे हिसाब से ये चीज होनी चाहिए सर। जी निश्चित रूप से रोहित। रोहित मुझे एक बात बताइए कि हमारा जो देश था वो उस पर हर किसी ने राज करा, ठीक है, मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या था, मतलब हम कहाँ कम पड़ गए थे, हमको तो सोने की चिड़िया कहा जा रहा था। जी तो सबसे पहले तो सर मुझे लगता है अभी कम कहाँ पड़े, ये तो हम शिक्षा में ही कम पड़े हैं सर, और तो किसी चीज में मुझे नहीं लगता हम कम पड़े हैं। तब तो शिक्षा भी नहीं थी मेरे हिसाब से, तो तब तो हम जो हमारे लोगों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था सर, तो मुझे मुझे तो लगता है कि हम इन चीजों में ही कम पड़े हैं, अदरवाइज नहीं थे हम। जी जी रोहित जी, रोहित जी मुझे एक बात बताइए, आप यदि समझिए कि आपको टाइम मशीन दी गई है ना, और आपको पहुंचा दिया गया स्वतंत्रता के पहले वाले दौर में, है ना, तो आप 1920 के दौरान लोगों से क्या आह्वान करेंगे, जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी थे, तो आप क्या आह्वान करेंगे लोगों से? सर मैं क्या आह्वान करूंगा, क्योंकि लोगों ने अभी जो पढ़ाई का शिक्षा लेनी चाहिए और एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए, मतलब यही बोलोगे कि शिक्षा लेनी चाहिए एक दूसरे का। यदि समझ लो कि आपको किसी तरीके से कल्पना में समझ लो आपको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से कुछ पूछना हो, तो आप क्या पूछना पसंद करेंगे? सर अभी तो फिलहाल मतलब क्या ही पूछ सकता हूँ सर, उनसे पूछने के लिए मतलब उन्होंने इतने कठिन समय में कैसा ये सब चीजें फेस करी, तो मैं तो उनसे यही जानना चाहूंगा सर, अगर मुझे कभी मतलब टाइम मशीन में जाने का मौका मिला होता तो। अच्छा, मतलब आप उन्होंने अपनी शिक्षा कैसे इन परिस्थितियों से की, और कैसे उन्होंने अपने भारत देश के लिए उन्होंने लड़ा, तो वो मैं उनसे पूछना चाहूंगा सर। अगर निश्चित रूप से रोहित जी, मतलब देखिए रोहित जी को यदि मौका मिला तो वो जेन्युइनली यही पूछेंगे ना मोटिवेशन के तौर पे, डॉक्टर बीआर अंबेडकर की परिस्थिति कितनी खराब थी दोस्तों, मतलब एक किस्सा मैंने सुना था रोहित जी कि वो जो है मतलब जाते थे, वो अमेरिका में पढ़ रहे थे शायद, या ब्रिटेन में, शायद अमेरिका में ना, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो, मुझे कुछ सही सही ध्यान नहीं आ रहा, किस्सा सुना देता हूँ, तो वो ब्रेड लेके जाते थे वहाँ, है ना, तो पकड़ लिया जो लाइब्रेरियन था, उसने बोला कि भैया तुम यहाँ पे ब्रेड खाते हो ये सही नहीं है, तो बोले कि नहीं अब हम क्या कर सकते, उन्होंने रोना नहीं रोया कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, तो उनकी वो बात से वो लाइब्रेरियन इम्प्रेस हुआ, और वो उनके लिए एक वक्त का टिफिन लाता था, फिर सोचो आप, जी जी जी, गरीबी में कभी रोया नहीं था उन्होंने, है ना, तो ये उस इंसान की ताकत थी, है ना, बहुत संघर्ष किया। रोहित मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है आपके अनुसार? स्वतंत्रता का मतलब है सर कि अभी जो लोगों की मानसिकता है ना सर, जो स्त्री और पुरुषों के बीच में असमानता जो पहले होती थी कि लड़कियों ने पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियों ने यही करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो हमें गर्ल्स को भी फ्रीडम देना चाहिए सर, मेरे हिसाब से तो हमारे देश में कई क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, कई क्षेत्रों में अभी उच्च स्थान पर पहुंच चुकी है सर, जैसे कि हम कह सकते हैं कि
लता मंगेशकर जी थे जो कि गायक गायक थे, मतलब है जो भी है वो गए हैं तो ऑब्वियसली, और ऐसे क्रिकेटर हो गए, कई क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर, वुमन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए सर, इसी इसी से हमारा देश स्वतंत्र कहलाएगा सर। जी रोहित जी, रोहित जी हमको एक बात बताइए कि महापुरुषों की जो भी जीवनियां हैं या जो उन्होंने किया है कार्य, उससे आपको लगता है कि आज का युवा कुछ सीख रहा है? सर ये तो अभी सर वो सब लोगों पे डिपेंड करता है सर, वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं फिलहाल तो, जो कुछ हो रहा है। निश्चित रूप से रोहित जी, रोहित मुझे बताइए, एक तरफ महात्मा गांधी थे जो अहिंसा का स्वीकार करते थे, दूसरी तरफ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता थे जो बोलते थे कि अंग्रेजों को मारो पीटो भगाओ यहाँ से, आपको क्या लगता क्या सही था? सर मेरे हिसाब से अहिंसा यही एक बड़ी चीज है सर, हम अपने अपने, क्योंकि महात्मा गांधी हो या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दोनों के भी हथियार ये कलम थे मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने महात्मा गांधी ने तो मुझे लगता है नमक सत्याग्रह वगैरह सब जो बहुत कुछ बहुत सी चीजें की, चले जाओ आंदोलन क्या से बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने भी बहुत अपने गांधी जी ने भी उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है अपने स्वतंत्रता में संग्राम में, इसलिए मुझे तो यही लगता है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा मार्ग है। वर्तमान में क्या ऐसा कोई शख्स नजर आता है जिसमें बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह ऐसे नेताओं की छवि दिखती हो, ऐसा कोई शख्स है भारत में इस वक्त? सर मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं फिलहाल। जी आपको नहीं लगा? मेरा अगला सवाल आपसे यह है रोहित कि हमको ये बताओ कि आज आपको लगता है आज भी समाज सही तरीके से सुधरा नहीं है? निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते सर, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता जो कुछ भी अभी चल रहा है, तो अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता सर कि समाज पूरी तरह से सुधर चुका है, क्योंकि अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। रोहित मुझे एक बात बताइए आप कि जिस तरीके से उस समय समस्या थी देश को आजाद कराना था, आज की समस्या क्या है? आज की समस्या है सर, आज की समस्या गरीबों, मतलब जो आज की समस्या तो समस्याएं बहुत है सर, पर एक बताने जाएंगे तो है ना यही। जी रोहित आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है, मेरा ऐसा मानना है। आपने आपका वक्त दिया, आपका शुक्रिया। रोहित जी 76वें स्वतंत्रता दिवस के